अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक दोस्तों। आज हम लोग आए फ्राइडे मार्केट में और अभी अभी खुला है 2-3 दिन पहले, तो देखते हैं कैसा लग रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, और आपको भी घुमाते। और ये बाजू में बिल्कुल हल रहा है, मैं लुलू वगैरह है इस तरह, तो चलते और देखते क्या क्या अवेलेबल है। दोस्तों, फ्राइडे मार्केट की जब याद आती है तो बॉम्बे के चोर बाजार की याद आती है, लेकिन वहाँ पर जैसे चोरी का सामान मिलता है, यहाँ चोरी का नहीं मिलता है। लोग पुराना बेच के जाते हैं और नया और पुराना मिक्स मार्केट है ये। पुराने हट बेचते हैं, नया कुछ खरीदते हैं। जो पुराने लोग जो घर छोड़ देते हैं या चले जाते हैं एक्सपायर्स, वो भी यहीं पर आके सब डिस्पोज कर देते हैं, और फिर वो लोग इसको रिसाइकल करते हैं, छोटा मोटा रिपेयर वगैरह हैगा तो उसको करके यहाँ पे वो बेचा जाता है। तो आपको नई से नई चीज़ मिलेगी और पुराने से पुरानी चीज़ मिलेगी। बहुत एंटिक कलेक्शन भी इधर मिलेगा आपको, पुराने टेप रिकॉर्डर, पुराने टीवी, पुरानी घड़ियाँ, बहुत सारे पुराने वो बोलते ना चिराग का जिन तो नहीं नज़र आया, लेकिन चिराग बहुत सारे मिले उसमें। ये पुराने कॉइन्स की कलेक्शन, पुराने नोटों की कलेक्शन, बहुत बड़ी कलेक्शन मैंने देखा यहाँ पर। बहुत ही पुराने नायाब यानी कॉइन्स है, जो पता नहीं हमारी पैदाइश के पहले के कॉइन्स है ये, अजीब। और बहुत सारे पुराने लेंसेस, पुराने टेप रिकॉर्डर्स, और ये सब तस्बीहों का कलेक्शन है। बहुत सारी एंटिक तस्बीह है, बहुत एक्सपेंसिव जो मार्केट में स्टोन्स की वो तस्बीह है। ये स्टोन्स है, हकीक वगैरह है, फिरोज़ा, और काफ़ी अच्छे अच्छे रिंग्स थे। ओल्ड मार्केट है, ओल्ड कपड़े भी यहाँ मिलते हैं, नए कपड़े भी मिलते हैं। और ये जूतों का कलेक्शन था, बहुत बड़ा मार्केट है। एक साथ घूमने में काफ़ी परेशानी है, और धूप भी बहुत ज़्यादा थी, ऑलमोस्ट 40-42 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था। वैसे अभी थोड़ा सा चेंज हो रहा है क्लाइमेट, तो फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, सारा सब कुछ अवेलेबल है। ये बेड सेक्शन है, और ये पुराना फर्नीचर, नया फर्नीचर, बहुत अच्छा, यानी मज़ा आ रहा था घूमने को। बस परेशानी थी, एक तो मार्क्स के वजह से ब्रीदिंग इशू, और फिर धूप बहुत ज़्यादा थी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी। ये फर्नीचर सेक्शन है, बहुत अच्छे डिनर्स है, डाइनिंग टेबल और बेड और मैट्रेसेस, काफ़ी अच्छे मैट्रेसेस थे। तो यानी ओवरऑल बड़ा मज़ा आ रहा था घूमने को, और हर चीज़ देखने को। सबका अलग अलग सेक्शन बना हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन है, हर जगह टेम्परेचर मॉनिटर हो रहा था। घूमने में इधर बहुत अच्छे फैसिलिटी, बहुत अच्छी है, वॉशरूम्स अच्छे है, मस्जिद है करीबी नमाज़ पढ़ने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि। और जुमे को सुबह, ये बेसिकली 3 दिन चलता है ये, जुमेरात, जुम्मा और सैटरडे के दिन, लेकिन मेन बाज़ार जैसे जुमा का ही होता है। जुमे के दिन क्राउड बहुत ह्यूज होती है, लेकिन अभी सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, और अभी खुला है तो इसके वजह से इतनी क्राउड नहीं है जितनी नॉर्मली होती है, नहीं तो बहुत ही हैवी रश होती है इधर, बात करने की फुर्सत नहीं होती है। वैसे एक चीज़ की आसानी है कि यहाँ पर कुछ भी आप खरीद लो, छोटी बड़ी चीज़, तो यहाँ पर मार्केट में जो लेबर्स अवेलेबल होते हैं, ट्रॉली लेके आप वो सब उस पर रख के आप हैंड्स फ्री शॉपिंग कर सकते हैं। वो आपके साथ चलते रहता है, और फिर एंड ऑफ जब आप फिनिश करते हैं तो आपकी गाड़ी तक पहुंचा देता है, तो यानी आपको उठाने का और लेके जाने का कोई बॉदरेशन नहीं रहता है, क्योंकि मार्केट ह्यूज है, पार्किंग बहुत दूर है, तो वो सब इशू रहते हैं कि कैसा लेके जाएंगे क्या। तो वो एक बड़ी सहूलत है यहाँ पर कि ट्रॉली में वो सब सामान लाद के और बहुत रीज़नेबल इस पर वो ले जाके आपकी गाड़ी तक छोड़ देते हैं। ये देखे, ये झूमर घरों के में काफ़ी उसका कलेक्शन था, और पुरानी यानी जिनको नया एफर्ट नहीं कर सकते, पुरानी चीज़ें भी, जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, गैस के चूल्हे हो गए, कबाट हो गए, बेड हो गए, हर चीज़ पुराना, जिसको नया चाहिए नया, जिसको पुराना चाहिए पुराना, सब अवेलेबल है यार, हर एक के लिए चॉइस है, तो रीज़नेबल कॉस्ट में हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा एहतियात भी करना पड़ता है, क्योंकि जो पुराना रहता है फाइनली वो रिपेयर कर
कारपेट का माशाल्लाह बहुत बेहतरीन कलेक्शन था, यानी आप देखें कि ईरानी तुर्की कारपेट्स बहुत बेहतरीन डिज़ाइन, बहुत अच्छे, ऐसा खूबसूरत नज़ारा था कि माशाल्लाह। तो और ये लोग का क्या रहता है, यहाँ पर आप डील करें फाइनल, वो घर पे पहुँचा के फिट बिट करके भी आपको दे देते कोई परेशानी नहीं, तो जस्ट आप उन लोगों को अपना एड्रेस वगैरह पहुँचा दे दीजिए और आप रिलैक्स हो जाइए। आप जब तक घर पहुँचेंगे वो लोग भी उतने टाइम में आपके घर पहुँचेंगे और आपको फिट बिट करके कारपेट्स, कोरियन कारपेट्स भी है जो रेक्सिन टाइप के, वो भी बहुत बढ़िया कलेक्शन थी, और मैट्रेस वगैरह थे और जो सेंटर कारपेट होते हैं वो थे, कपड़ों का कलेक्शन अच्छा था ओवरऑल। यानी अभी पूरी तरह कोविड के वजह से मार्केट को ओपन नहीं है, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि 60% मार्केट खुल चुका है, बहुत सारे अभी भी बंद है, हो सकता है अगले हफ्ते और मजीद ही खुलेगा तो और घूमने में मज़ा आएगा। और फिर कभी वापस चले गए तो ज़रूर इंशाल्लाह दोबारा से आपको क्या रौनक है फ्राइडे मार्केट की कोशिश करूँगा आप लोगों को घुमाने के लिए। उम्मीद है आप लोगों को जो मैंने वीडियो डाला है पसंद आया रहेगा, तो लाइक शेयर कर ज़रूर कर देना और कमेंट भी कर देना ताकि पता चले कि आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं। फिलहाल लॉकडाउन में कुवैत के बाहर तो कहीं जा नहीं रहे दोस्तों। अलराय फ्राइडे मार्केट का शूट ज़रा बड़ा हो गया है, इसलिए इसको दो पार्ट में शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने बोलना। और तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, वेट फॉर द पार्ट 2। थैंक यू।